नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं DRK एजुकेशन वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, और वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि USB को अपने लैपटॉप के साथ और प्रिंटर के साथ कैसे अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर हमारा इसमें है, ये देखिए, जी। और एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो है USB केबल, ये ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये USB केबल है। तो दोस्तों इस साइड की ये केबल लगेगी हमारे प्रिंटर में और इस साइड की केबल लगेगी हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। दोस्तों ये है CD, तो मैं इसको इंस्टॉल करके बताता हूँ। तो दोस्तों मेरी ये CD इंस्टॉल नहीं हुई, तो इसलिए मैंने ब्राउज़र साइट पे जाके यहाँ से इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है मैनुअली, यहाँ लिखा है करंट ड्राइवर, ठीक है। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ ऑनलाइन, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम अपनी केबल वगैरह अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी USB जो इसमें लगेगी, तो इसको अटैच करने बताते हैं। पहले भी आपको बताया था कि यहाँ से उठाना है ऐसे करके, ठीक है, ये लॉक लग गया। और यहाँ पर देखिए नीचे ये स्कल स्लॉट है, तो इसको ऐस करके लगाना है ऐसे करके। ये हिस्सा ऊपर होना चाहिए, ये वाला, उसके बाद ये इधर से ऐसे करके ऐसे लपेट देंगे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, और यहाँ से, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ब्रस करना है नीचे। ठीक है, और ये केबल कंप्यूटर के साथ अटैच कर देंगे हमने। ये देखिए ऐसे ये अटैच होगी, ठीक है, ऐसे करनी है। और इसका पावर सॉकेट ये ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से अब इसको ओपन करेंगे, अब यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पे रन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये अभी हो रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, खत्म। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये अभी यहाँ ये ऑप्शन मांग रहा है कि आप इसे वायरलेस जोड़ना चाहते हैं या फिर इसको आप अपने USB केबल से जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर USB अटैच कर दी है, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर मशीन के अंदर इसको हमने अटैच कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मशीन के अंदर भी अटैच है और मशीन ऑन है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे लोकल और यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये USB के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, तो ये हमने नेक्स्ट किया, तो ये देखिए
स्टैंडर्ड और कस्टम हम स्टैंडर्ड पे रहेंगे। अभी ये प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी करेंगे। है, तो जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ लिखा है पेपर पोर्ट इज डॉक्यूमेंट मैनेज सॉफ्टवेयर पैकेज दैट हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज एक्सेस एडिट शेयर एंड मैनेज डॉक्यूमेंट एंड इमेज फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, तो अब यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और या फिर नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट कर दिया है ताकि ये प्रोसेस हमारा जल्दी जल्दी हो। तो यहाँ पे मैंने फिर से नेक्स्ट कर दिया है और ये फिनिश हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ आगे पर ब्रदर यूटिलिटीज़, ये तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए इसे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो तो हम इसे नेट से डाउनलोड कर सकते हैं जो इन्होंने साइट दी होती। तो फ्रेंड्स ये है वो साइट www.brother.com। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो की इतना ही होगी। धन्यवाद।